इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मा सिमती 2023, सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, प्रवीण कुमार जैन, मनीष आशीष नितिन, फर्म जैनम ग्रुप अहमदाबाद। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको लिए चल रहे हैं गुजरात प्रांत के अहमदाबाद महानगर में, जहां के वस्त्रापुर स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड विद्याधाम में बड़े ही आत्मीय एवं श्रद्धा भाव के साथ रत्नत्रयी आराधना की जा रही है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभावी का शिष्या, परम पूज्य आरिका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी ससंग के पावन सानिध्य में 23 अगस्त 2023 तक चलने वाले इस धार्मिक कार्यक्रम में आज प्रभु के अभिषेक शांति धारा एवं श्री 1008 नेमीनाथ विधान के साथ ही धूमधाम से राजकुमार नेमी कुमार की भव्य बारात निकाली गई। तो वहीं संध्या काल में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए आनंद लेते हैं गुरु उपकार के इन पावन क्षणों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से गुजरात की धर्मनगरी अहमदाबाद के वस्त्रापुर GMDC के सामने स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड विद्याधाम में 20 से 23 अगस्त 2023 के मध्य परम पूज्य आरिका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी ससंग के पावन सानिध्य में रत्नत्रयी आराधना की जा रही है, जिसके द्वितीय दिन की शुरुआत में भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक एवं शांति धारा की। प्रीम प्रीम देव परम बम बम हम सम तम पम बम 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 हम हम सम सम तम तम बम बम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जले सीनाम विसिंचयामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम नमो हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सवसाहोणम, चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केलिपनतोधम मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केलिपनतोधम लोगुत्तमा, चत्तारी शरणं पव्वजामि, अरहंत शरणं पव्वजामि। ओम निवष्ट प्राति रवंदिशे चतुर्विंशति तीर्थंकर देवस्य मस्तकोपरित्रे छत्रं भावि न स्थापयामि। ओम निवष्ट प्राति रवंदिशे चतुर्विंशति तीर्थंकर देवस्य ते पाशभागे चतुष्षष्टि च वर भावि न स्थापयामि। चतुर्विंशति तीर्थंकरे विवर्गं निरवामिति स्वाहा। अभिषेक शांति धारा के बाद श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव से श्री 108 नेमीनाथ विधान की समस्त मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। ओम ह्रीं नवदेभ्यो नमो नमः, नरपत्प्राप्तेर्घ्यं नृपामिति। पाणि ब्रह्मचारिणी शर चरण शरण आश्रय देना, कलि राहु से ज्ञान भानु को मेरे नाथ बचा लेना। ओम ह्रीं श्री नेमीनाथ चिनीन्द्राष्ट कर्म दहनाय धूपम निरूपामिति। अज्ञानी कुछ कार्य करे तो फल की आशा रखता है, नाथ आपके मुक्ति फल पर मन मेरा लग जाता है। ओ हाल ब्रह्मचारी ईश्वर चरण शरण आश्रय देना, कर मेरा उसी ज्ञान भान को मेरे नाथ बचा लेना। ओम श्री मीनाक्षी मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति। जब तक अनल पद ना पाऊं। कार्यक्रमों की श्रृंखला में भक्तों ने गुरु माँ परम पूज्य आरिका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी के श्रीमुख से मंगलवाणी श्रवण की। प्रभु की कृपा तो इतनी है कि प्रभु के बिना रह न पाए, वास्तव में यही प्रभु कृपा है। क्या कहा? प्रभु के बिना रह ही न पाए, हर पल प्रभु की याद सताए, प्रभु बस
तू ही तू दिखता रहे, तेरा ही तेरा स्मरण बना रहे मुझे। मैं किसी को न देखूं, न किसी को जानूं, न किसी का स्मरण करूं। हे क्या स्मरण करने के योग्य प्रभु, एक तू ही तो है, बस तेरा ही स्मरण करता रहूं प्रभु, और मुझे कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। इस तरह से जब भीतर में भावना जागृत होती है तो समझ लेना उसके जीवन में प्रभु के गुणों का अनुराग जागृत हो गया है, संसारी जीवों का राग समाप्त होने लगा है। कल हमने गुरु के गुणों का अनुवादन किया, तो आज प्रभु ने ईश्वर के गुणों की भक्ति की। नृत्य गान करना ये प्रभु की भक्ति नहीं है, शब्दों से उच्चारण कर लेना ये प्रभु की भक्ति नहीं है। मेरे अपने आत्मा के तार प्रभु परमात्मा से जुड़ जाएं, इसका नाम है प्रभु की भक्ति। एक द्रव्य थाली का द्रव्य दूसरे थाली में स्वाहा कर देने का नाम भक्ति नहीं है। अपने आत्मा के विकारों का स्वाहा कर देना, क्योंकि इसका मालिक मैं नहीं हूँ, ये विकार मेरे नहीं है, मैं ये मेरे स्वभाव नहीं है, इनकी स्वाहा कर देना मतलब श्रद्धा से स्वीकार कर लेना कि मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं विकारी नहीं हूँ। ये स्वीकार करना, प्रभु मैं तो तुझ जैसा हूँ। ये भीतर में जो विचारों की विशुद्धि बनती है, समझ लेना कि आपके जीवन में गुरु भक्ति की, प्रभु भक्ति की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन होता यह है, ये सब कुछ करने के बावजूद भी सभी की शिकायत है कि क्या करें, सब कुछ है लेकिन इसके बावजूद भी, सब करने के बावजूद भी हमारे भीतर के विकार नहीं मिटते हैं, हमारी अंदर की जो राग द्वेष आदि परिणतियाँ वो मिटती नहीं है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कि मीरा ने भी कहा है कि यह हृदय कमल प्रभु तोरा, यह हृदय भवन प्रभु तोरा, जहाँ आए बसे सब चोरा, यहाँ आए बसे सब चोरा, विधि चोरा, कर्म के चोर इसमें आ बसे हैं। ये हृदय भवन तो तेरा है प्रभु, ये मन तो तेरा है, ये मन तुझे समर्पित किया, लेकिन इसके बावजूद भी कर्म रूपी चोर इस पर डेरा डाल रहे हैं, तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, कैसे निकालूं इन्हें, दिखते भी नहीं है, इनसे वार्तालाप कर नहीं सकता क्योंकि इसकी जाति भिन्न है कर्म की, मुझे दिखाई देते नहीं है, बड़े शातिर हैं ये, कैसे निकालूं अपने घर से। तो भगवान कहते हैं जितनी छल कपट करके तूने अपने घर में बसाया है, ऐसे ही तरीके से सलीके से इनको बाहर निकाल दे। जब घर में बुलाने का तेरे पास में सामर्थ्य है, तो घर से निकालने की भी तेरे पास में सामर्थ्य है। बस इतना सा कर कि तू प्रभु का गुणगान करने में अपना चित्त लगा ले। जैसे जैसे तेरा प्रभु की भक्ति में रंग लगता चला जाएगा, ये कर्म का बंधन टूटता चला जाएगा। जैसे मयूर जैसे ही चंदन वृक्ष के पास में जाता है, उसकी सुगंध आती है, और उसी सुगंध के कारण से वहां पर कर्म रूपी नाग, नागिन भी और नाग भी लिपटे रहते हैं चंदन वृक्ष के ऊपर। लेकिन जैसे ही मयूर जाता है, वह नाग अपने बंधन को ढीला कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से तू भी भगवान की ऐसी भक्ति कर, जिस प्रकार से मयूर जाता है, उसी प्रकार से जैसे जैसे तेरी भक्ति का रंग गाढ़ा होता चला जाएगा, उतना उतना ही इन नागों का, कर्म रूपी नाग का पाश बंधन ढीला होता चला जाएगा। रत्नत्रयी आराधना के द्वितीय दिवस पर अद्भुत अलौकिक अविस्मरणीय कार्यक्रम के अंतर्गत राजकुमार नेमी कुमार की श्री कृष्ण एवं उनकी भाभियों के साथ वार्ता पर आधारित लघु नाटिका की सुंदर प्रस्तुति दी गई। नखरे तो देखो कुमार के, इतने ही नखरे दिखाना है तो नखरे उठाने वाली देराव नहीं ले आओ, जो नखरे उठा सके आपके मैं क्यों साफ करूं? क्या आप नाक्षेया पर चढ़े हैं तथा आपने शांग नामक धनुष चढ़ाया है, या पंचजन्य शंख पूरा है जो मैं आपके वस्त्र साफ करूं? धनुष चढ़ाना, शंख पूरना, क्या यह कोई बड़े साहस का कार्य है? हाँ, यह बड़े साहस का काम है। यदि आप इसे कोई बड़े साहस का काम नहीं समझते, तो जरा आप भी तो इन सब कामों को कर दीजिए। तो ठीक है, मैं अभी जाकर इन सब कार्यों को करता हूँ।
पत्नी में कुमार और बलदेव घूमते हुए श्री कृष्ण की आयुधशाला में पहुंचे। प्रणाम नेमी कुमार जी, प्रणाम बलदेव जी, वासुदेव श्री कृष्ण जी की आयुधशाला में आपका स्वागत है। रक्षक, हम भ्राता श्री कृष्ण के दर्शन के इच्छुक हैं। कुमार, वासुदेव श्री कृष्ण तो राज्यसभा में स्थित हैं, परंतु वो शीघ्र ही आयुधशाला में आते होंगे। आइए, तब तक मैं आपको उनकी आयुधशाला दिखाता हूँ। यह आयुधशाला तो श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। नेमी कुमार, ये श्री कृष्ण की आयुधशाला के वो अस्त्र शस्त्र हैं जिन्हें चलाने का पराक्रम श्री कृष्ण के सिवा किसी अन्य पुरुष में नहीं है। अरे कुमार, चलाना तो दूर कोई चक्र उठा भी नहीं सकता। आपने तो वासुदेव का सुदर्शन चक्र कनिष्ठा पर उठा लिया। दाऊ भाई, इस शंख की क्या विशेषता है? कुमार, यह तो श्री कृष्ण का पंचजन्य शंख है। केवल सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण ही इसे बजा सकते हैं। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। आज तक बहुत से वीरों ने उन्हें अभ्यास किया, पर श्री कृष्ण के अलावा कोई भी इन अस्त्रों को चला न सका। चिंता? किस बात की चिंता यादव कुमार? संपूर्ण द्वारका वासियों को ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वयं देव जिस द्वारका नगरी की रक्षा करते हैं, ऐसी नगरी पर जैसे किसी ने चढ़ाई कर दी हो। अरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही सामान्य से किया। जन्म और मरण के चक्कर हमेशा के लिए मिट जाए, इसके लिए है आत्म साधना का मार्ग। ये तो ठीक है, लेकिन जिन माता पिता ने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, क्या उनकी इच्छा पूरी नहीं होने दोगे? इनकी इच्छा पूरी करना आपका परम कर्तव्य है। हमारी रानी सत्यभामा की बहन जूनागढ़ के महाराज उग्रसेन की पुत्री राजुल गुणवंती है, सौंदर्य से शोभित है। उसके साथ आपकी शादी करने का माता ने सोचा है, इसलिए कृपा करके आप राजसुख भोग कन्या का विचार कर विवाह के लिए हाँ कर दो और माँ के उपकार का ऋण चुकाओ। अरे देखो, आपकी भाविया आपको समझाने आए हैं। शादी करने में आपको भय लग रहा है ना? शादी के बिना संसार की सृष्टि का बढ़ना अटक जाता है। आपको माता पिता की आज्ञा के अनुसार शादी करके उनको खुश करना चाहिए। राजकुमारी राजुल के साथ पाणी ग्रहण करोगे ना कुमार? वृषभ देव ने एवं अन्य तीर्थंकरों ने भी विवाह किया था और राजसुख को भी भोगा था।
फिर भी वो मोक्ष तो गए ही ना, तो फिर आप भी विवाह के प्रस्ताव का विचार करो। कौन से विचार में हो आप, कुछ तो उत्तर दो। आप मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, लगता है नेमी कुमार विवाह के लिए राजी हो गए हैं। लघु नाटिका के बाद बैंड बाजों की सुरमई धुन के साथ राजकुमार नेमी कुमार की भव्य बारात निकाली गई, जिसका सभी भक्तों ने प्रभु भक्ति के साथ आनंद उठाया। चोरीपुर से बराती आए रे चोरीपुर से, हाजी बारात को आगे ले आए पीछे पूज्य हरि का संग आ रहा है सिकता के साथ में। ए चोरीपुर से, ओ चोरीपुर से बराती आए रे चोरीपुर से, चोरीपुर से बराती आए रे चोरीपुर से। चोरीपुर से बराती आए रे चोरीपुर से, चोरीपुर से बराती आए रे चोरीपुर से।
कुमार बारात में युवराज बनने का सौभाग्य मिला उनके पिताश्री से, उनके भाऊजी से। आइए हम जानते हैं उनके क्या भाव हैं, उनके क्या विचार हैं। मेरा नाम अजय सरावगी। ये हमारे लिए न भूतो न भविष्य थी जैसा अनुभव है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि अहमदाबाद समाज के सारे मंदिर, सारा समाज इस तरह जुड़ेगा और इस तरह भावनात्मक हो जाएगा। ये जैसा मैंने कहा, ये पूर्णमती माता जी का आशीर्वाद है, आचार्य श्री का आशीर्वाद है कि हमें ये अवसर मिला। जब हमें अवसर मिला तब भी हमने ऐसी कल्पना नहीं की थी। ये अद्वितीय है, अकल्पनीय है। आज जो उत्साह हमारे अहमदाबाद में देखा जा रहा है अकल्पनीय, अद्भुत है। ऐसा ना कभी हमने सोचा था, ना कभी जाना था, लेकिन परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से जो कार्य आज अहमदाबाद में होने जा रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है और अद्वितीय है। इस प्रकार के आयोजन हमारे समाज में होते रहना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारा समाज और मजबूत बनेगा। सादर जय जिनेन्द्र। पूर्णमती माता जी के सानिध्य में ये जो नेमिनाथ की बारात का कार्यक्रम हुआ ना, बहुत बड़ा ऐतिहासिक था। न भूतो न भविष्य ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं देखा, न कभी देखेंगे। ये माताजी हमारे डूंगरपुर की हमारे लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत हमें बहुत बड़ा गर्व है कि आज इनके सानिधि में ऐतिहासिक एक से एक बढ़ के प्रोग्राम ऐतिहासिक हो रहे हैं। नेमी कुमार की बारात एक भव्य और अनुकरणीय शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई जूनागढ़ पहुंचेगी और आज जूनागढ़ में एक भव्य अतिशय आयोजन किया जाएगा। नेमी कुमार की बारात अति भव्य बारात, नव युवक युवक युवती सारे महिला पुरुष वर्ग में गजब का उत्साह चल रहा है। मतलब ऐसे बारात शायद आज तक कभी ना देखी ना सुनी होगी। सचमुच में हमारे आस्था के भगवान आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की अनुकंपा अहमदाबाद में बरस रही है और चातुर्मास की इसी श्रृंखला में आज नेमी कुमार की बारात, जिसका कई सालों से इंतजार था कि कब माता जी का चातुर्मास हो और नेमी कुमार की भव्य बारात। कौन ऐसा सौभाग्यशाली जो नेमी कुमार बनेगा, और सचमुच जो आज का दिन वो आ गया है। और पूज्य माता जी के द्वारा मतलब ज्ञान की जो सरा, ज्ञान की जो वर्षा हो रही है उसमें सारे अहमदाबाद के लोग सराब हो रहे हैं। सचमुच में हमारे फिर से एक बार धन्य है हमारे गुरु और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब कुछ होने जा रहा है। और निश्चित जिस तरह की धर्म प्रभावना हो रही है उससे हमें लग रहा है कि एक दिन वो भी जरूर आएगा कि साक्षात आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज अहमदाबाद की धरा पर पधारेंगे और वो अभूतपूर्व अवसर होगा। हम वितराग भगवान से यही कामना करते हैं। आज नेमिनाथ भगवान की मोक्ष भूमि गुजरात, वहाँ से आज नेमिनाथ भगवान की हमने वापस बारात निकाली। हमारे का बहुत सौभाग्य है कि हमने आज इस जन्मभूमि पे पंचम काल में वापस नेमिनाथ भगवान की बारात निकल रही है। इतना अच्छा लग रहा है, इतनी भव्य बारात। आज आरी का पूर्णमती माता जी के आशीर्वाद और आचार्य विद्यासागर जी के महाराज आशीर्वाद से पूरा समाज जो एकजुट बन के इसमें लगे हुए हैं नेमिनाथ भगवान की, बहुत पुण्य का उदय है। बहुत अच्छा लग रहा है सबको, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अहमदाबाद के लिए ऐतिहासिक क्षण है। ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग जूनागढ़ बारात लेके नेमिनाथ भगवान की पहुंच रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान और सारे बलराम और सारे राजे रजवाड़े आज यहाँ लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि हम चतुर्थ काल में भगवान नेमिनाथ की बारात में शामिल हुए हैं। नेम जी की जान बड़ी भारी, दखन को आए नर नारी, अनंता घोड़ा और हाथी, मिनक की गिनती नहीं आती। सम्मत विजय जीरा लाडला, नेम कंवर जाको नाम, राजुल देवी ने आया परण उग्र सेन दरबार, पठन भई नगरी भय सारी, प्रसन्न भई नगरी भय सारी। लोक के नाथ की अद्भुत बारात निकली गई है। ये जिनवाणी चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, सभी महानुभावों को ये पुण्य लाभ मिल रहा है। इसके लिए आज नेमी कुमार की बारात के ऐतिहासिक कार्यक्रम में सब सम्मिलित हुए हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। अहमदाबाद में पहली बार ऐसा हुआ है, ये कार्यक्रम हुआ है। इस तरह के कार्यक्रम हम आगे भी करते रहेंगे। आज नेमिनाथ भगवान की बारात निकली है और समस्त जैन समाज ने बहुत उत्साह के साथ, हजारों लोगों ने मिलकर के इस जुलूस में अपनी यात्रा सफल की है।
और यह कार्यक्रम आज पहली बार अहमदाबाद में हुआ है जो बहुत ही सुंदर रूप में नेमनाथ भगवान की बारात का आयोजन किया है। सभी को जय जिनेंद्र। Oh,
ऐसी बारात आज तक ना हमने देखी है और न कभी देख पाएंगे, भूतों ने भविष्य। इतनी जोरदार, इतनी शानदार नेमिनाथ की बारात यहाँ से अहमदाबाद से निकल के गुजरात यूनिवर्सिटी विद्या धाम पे जा रही है और हम सब लोगों को बहुत खुशी, बहुत आनंदमय, बहुत मंगलमय हो रहा है। नेमिनाथ भगवान की शोभा यात्रा निकल रही है, भारत देश में ऐसी शोभा यात्रा आज तक नहीं निकली। 105 पूर्णमती माता जी के सानिध्य में नेमिनाथ भगवान की जो यात्रा निकल रही है, 2 किलोमीटर की लंबाई की यात्रा है, ऐसी यात्रा कभी भविष्य में देखी नहीं गई है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज नेमी कुमार की भव्य बारात यहाँ अहमदाबाद में पहली बार इतनी भव्य बारात निकल रही है, लोगों का उत्साह देखा नहीं जा रहा है। सौभाग्य अहमदाबाद का जो पूर्णमती माता जी का चातुर्मास अहमदाबाद को मिला और एक अनूठी बारात जिसमें आज कम से कम 4,000 से अधिक लोग इस बारात में सम्मिलित होकर अपना धर्म लाभ ले रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से अब तक की सबसे बड़ी बारात ये होगी, ऐसी बारात ना कभी देखी ना सुनी होगी। पूर्णमती माता जी और आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये सब संभव हो पा रहा है। ये गुजरात में पहली बार नेमी प्रभु की, नेमी कुमार की जो यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा जो उनकी बारात निकल रही है, ऐसा कभी आज तक हमने हमारे जीवन में नहीं देखा और ये अपने आप में एकदम अद्भुत है। ऐसा पुण्य का उदय, पुण्य यहाँ ढूंढ रहा है, सोना बिखर रहा है। नेमिनाथ जी भगवान जो हमारे 22वें तीर्थंकर थे, उनका तप दिवस है और राग से वैरागी तक की यात्रा में आज सभी लोग सम्मिलित होकर बड़े उत्साह से, ये पूरा समाज बहुत ही उत्साह से इस दिवस को मना रहा है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और सभी के मन में बहुत उत्साह है। माता जी श्री पूर्णमती माता जी के आशीर्वाद से और विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये मौका हमें मिला है। हम महाराज जी के और माता जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जय जिनेंद्र। अहमदाबाद के अंदर में कम से कम भी 8 से 10 हजार पब्लिक इस बारात में नाच रही है, झूम रही है, अपने आप को धन्य समझ रही है। इतनी जोरदार यात्रा भारत देश में, सारी दुनिया में कभी भी नहीं निकली। और नेमिनाथ भगवान इतना बढ़िया और इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है पूर्णमती माता जी के द्वारा कि मत पूछिए। पिट्टी भोज भी रखा गया हुआ है, वो सब बैठ के खाना खाएंगे। एक एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से चल रहा है और अपने तरीके से सिद्धांत की तरह से चल रहा है। नेमिनाथ भगवान की जय। जय जिनेंद्र। दर्शकों, जैसा कि ये पूर्णमती माता जी आचार्य विद्यासागर जी की परम प्रभावक शिष्य है, आज उनका 35वां दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है अहमदाबाद वासियों को, उसी का ये पल है जो आज नेमी कुमार की बारात इतना भव्य, इतनी भीड़, इतनी उत्साह। मैं आइए अहमदाबाद में अभय कुमार जी हमारे बीच है, उनसे हम जानते हैं ये दृश्य, ये मौका ऐसा, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं अभय जी? जय जिनेंद्र। अहमदाबाद में, पूरे अहमदाबाद में आज तक इस तरीके की नेमी की बारात ऐतिहासिक बन रही है, जन जन का सैलाब उमड़ के आ गया है। मैं अभय कुमार जैन, साबरमती अहमदाबाद, हमारे देवेंद्र जैन जो चातुर्मास कमेटी के कोषा अध्यक्ष हैं, पूर्णमती माता जी के सानिध्य में 3 दिवसीय रत्नेत्र राग से वैराग्य की ओर कल नेमिनाथ भगवान के तप कल्याणक के पूर्व आज उनकी बारात जारी है। जूनागढ़ शौरीपुर से रवाना होके और वहाँ पे उनका वैराग्य तप कल्याणक, एक बहुत ही सुंदर उत्सव अहमदाबाद के इतिहास में प्रथम बार। ये अहमदाबाद में नेमिनाथ की बारात बहुत लंबी, बहुत भव्य, 1 किलोमीटर से लंबी बारात पूरी चल रही है। 5,000 आदमी इस बारात में सम्मिलित हैं और नेमिनाथ बारात एकदम यूनिवर्सिटी धाम की तरफ, 16 मंदिर से यूनिवर्सिटी धाम की तरफ जा रही है और हम सबको बहुत हर्ष उल्लास और बहुत अच्छा लग रहा है। आज का ऐतिहासिक जुलूस अहमदाबाद की, गुजरात की पवन धरा में शायद पहली बार ही लोगों ने देखा होगा। कम से कम भी 4 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर का लंबा जुलूस है। ऐसी बात, गुरु माता की ऐसी प्रभावना शायद आपने आज तक नहीं देखी नहीं होगी, और अहमदाबाद के लिए यार ये धर्म की प्रभावना है, अभूतपूर्व प्रभावना है। जय जिनेंद्र। दर्शक, जय जिनेंद्र। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पूर्णमती माता जी का 35वां दीक्षा दिवस अहमदाबाद की धरा पे मनाया जा रहा है। आज उसी का यह पल है
कि पूर्णमती माता जी के आशीर्वाद और उनके सानिध्य में नेमी कुमार की बारात का ये भव्य सा भव्य नजारा जो आप देख रहे हैं, जिसमें लाखों के श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और भक्ति भाव से नेमी कुमार की बारात को जहाँ पे कार्यक्रम स्थल है वहाँ पे ले जाने की तैयारी है। आइए हम भक्तों से अहमदाबाद की कुछ महिला जो ग्रुप में एक तरह की सारी, उनसे हम जानते हैं कि उनके क्या भाव है इस कार्यक्रम को देखिए। आज हम नेमिनाथ भगवान की एक ऐतिहासिक बारात में जा रहे हैं, जो बहुत ही भक्ति भाव से, हमने घरों की बारात तो बहुत देखी है, पर जो तीर्थंकर की बारात में जो आनंद मिल रहा है, ऐसा आनंद आज तक न कभी हुआ, और आगे इससे भी ज़्यादा अच्छा हो ऐसे तो संभावना हो सकती है, लेकिन ये एक हमारे लिए बहुत ही अद्भुत क्षण है। बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। आज हम लोग नेमिनाथ भगवान की बारात के लिए निकले हैं। बारात तो हम लोग ने बहुत अटेंड की है, लेकिन ऐसी बारात ना भूतों ना भविष्य तक कभी हम लोगों को देखने मिलेगी ना अटेंड करने मिलेगी। तो धन्य ऐसी माता जो हम लोगों को ऐसी बारात में आने का मौका दिया, और ऐसी बारात जो हम लोगों ने अद्भुत बारात देखी है वो हम कभी नहीं देख पाएंगे। और इतना उत्साह और इतना उमंग है इस बारात में, हजारों की पब्लिक में यहाँ पर लोग जमा हुए हैं, और यहाँ पे सभी लोग पूरा भक्तिमय वातावरण हो गया है। आचार्य श्री जयरे अपने अहमदाबाद में चतुर्मास पुण्यमती माताजी नु थयू अने एमना आगमन थी जे अहमदाबाद वाळाओने जे भव्य लाभ मळे रह्यो छे अने तीर्थंकर भगवान नी जे बारात निकळे छे एमा आपणा अहमदाबाद वाळानु एवुं नसीब जाग्युं छे के आवुं तीर्थंकर बारात आपणने क्यारे जोवा मळी नथी। आज हमको नेमी कुमार बारात में जाना में बहुत हर्ष महसूस हो रहा, इतनी प्रसन्नता हो रही है, पूरा गाँव हमारे साथ है, पूरा उदय अहमदाबाद शहर हमारे साथ है। जो नेमी कुमार की बारात का ये भव्य आप ये जुलूस देख रहे हैं, ये यात्रा देख रहे हैं, आइए हम आपको लेके चलते हैं जो इस यात्रा के नेमी कुमार के बारात के जो युवराज बने हैं, हम उनसे आपको हुबहू मिलवाते हैं, उनके भाव आपको दिखाते हैं। हमको नहीं मालूम ये सब हुआ कैसे, और हमको सिर्फ इतना मालूम है ये नेमिनाथ भगवान आचार्य श्री और पूर्णमती माता जी का आशीर्वाद है, बस इतना ही कहना चाहेंगे पूरे देश को। प्राइवेट लिमिटेड
शोरीपुर से। बारात को आगे ले आए पीछे पूज्य हरि का संग आ रहा है सिकता के साथ में। ए शोरीपुर से, ओ शोरीपुर से बराती आए रे, शोरीपुर से, शोरीपुर से बराती आए रे, शोरीपुर से बराती आए रे, शोरीपुर से, शोरीपुर से बराती आए रे, शोरीपुर से। बोलो संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महानिराज की। ये पुण्य पुण्य को खींचता है, दोनों जन बाजू बाजू में बैठे हैं और साथ ही साथ कटारिया जी की भी भावना है कि हमें भी माजन वाणी भेंट करने का अवसर प्राप्त हो। उच्च माता जी के कर कमलों में माजन वाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। दोनों का बराबर श्रीमान सौभाग्यवान जी, राजेन जी, रोहन जी, समस्त कटारिया परिवार, समस्त कटारिया पांड्या परिवार आ जाए। ओ गुरुदेव का सितारा जग में चमक रहा है, ओ गुरुदेव का सितारा जग में चमक रहा है। तेरी साधना से गुरुवर, तेरी साधना से गुरुवर भारत दमक रहा है। ओ तेरी साधना से गुरुवर, तेरी साधना से गुरुवर भारत दमक। माता जी की साधना का प्रभाव है कि अहमदाबाद के बाहर होते हुए भी आप उनकी साधना के कारण उनके चरणों में खींचे चले। एक बार दोनों हाथ अपने पुण्य की अनुमोदना करते हुए। चमक रहा है जग में, चमक रहा है तेरी साधना से गुरुवर, तेरी साधना से गुरुवर भारत दमक रहा है, भारत दमक रहा है। गुरुदेव का सितारा राम भाई, राम भाई जो उठी धरती और जो उठा आसमान, उठी धरती और जो उठा आसमान, गुरु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा, गुरु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा। जो उठी धरती और जो उठा आसमान, जो उठी धरती और जो उठा आसमान। भाई जरा दोनों हाथों को एक बार उठा ले। राम भाई, पुरुषों की आवाज तालियों की अच्छी आ रही है, महिलाओं की आवाज नहीं आ रही है तालियों की। गुरुदेव के चित्र का अनावरण हमारे श्रेष्ठी परिवार ने संपन्न किया है। भाई जरा दोनों हाथों को उठाने, हमारी जो बहनें सामने बैठी हुई हैं और हमारे भाई लोग बैठे हैं, दोनों हाथों को उठाने एक बार। ओ जो उठी धरती और जो उठा आसमान, उठी धरती और जो उठा आसमान, प्रभु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा, प्रभु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा। मैं झूम उठी धरती और झूम उठा आसमान, झूम उठी धरती और झूम उठा आसमान, मैं झूम उठी धरती और झूम उठा आसमान, प्रभु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा, प्रभु तेरे दर्शन से। ओ गुरु जी की वाणी का बोल है। भाइयों आपकी तालियों की आवाज आनी चाहिए, आवाज और तालियों की आ नहीं रही है। विनय बाबू, विनय जी बाबू परिवार और कटारिया जी परिवार दोनों आ जाए मंच पर। सुंदर सी भक्ति 2 मिनट की दोनों परिवार के द्वारा, भक्ति सुंदर। जो मोटी धरती और जो मोटा आसमान, जो मोटी धरती और जो मोटा आसमान, प्रभु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा, प्रभु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा। मैं झूम उठी धरती और झूम उठा आसमान, झूम उठी धरती और झूम उठा आसमान,
बाबू तेरे प्रदूषण से निखर गई आत्मा। अरे चालो रे चालो रे जिन मंदिर में चालो आदि प्रभु जी विराजे रे। चालो रे मन मंदिर में चालो मेरी प्रभु जी विराजे रे। आजो रे ए चालो रे जिन मंदिर में चालो मेरी प्रभु जी विराजे रे। चालो रे जिन मंदिर में चालो रे। चालो रे जिन मंदिर में चालो मेरी प्रभु जी विराजे रे। चालो रे जिन मंदिर में चालो मेरे प्रभु जी विराजे रे। और मेरी प्रभु जी भैया अकलंग भैया अशोक भैया आशीष जी ओम प्रकाश जी सूरत आचार्य भगवान के परम भक्त महानुभाव आ जाएंगे और पूज्य बड़ी माता के चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्रीपल साथ ही साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ खंडवा से दिलीप भैया हमारे बीच गुरु भक्त परिवार से हैं, उदयपुर से साधना राजेश भैया और टोनी भैया हजारीबाग साधना आशीष जी जैन और बड़ोदिया के भक्तगण महानुभव बड़ोदिया में ऐतिहासिक चतुर्मास संपन्न हुआ दो दो मार्बल के जबलपुर से सानु भैया वो भी आए पूज्य माता जी के पावन चरणारविंद में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बनाएंगे हाथों का श्रीफल सभी पीछे तक और सिर को नवाएंगे कमर को झुकाएंगे मुंह को खोलेंगे और बोलेंगे हे माता जी वंदामी हे माता जी वंदामी हे माता जी वंदामी हे माता जी अपनी अमृतमयी वचनों से हम सभी भक्त जनों को उपकृत करें वंदामी माता जी। देखा है हमने कि जलते हुए दीपक को एक दिन बुझना पड़ेगा जलते हुए दीपक को एक दिन बुझना पड़ेगा बहती हुई नदी को एक दिन रुकना पड़ेगा। कोई भी शाश्वत स्थिर नहीं इस दुनिया में जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। ये तय है जिसने संसार की अविनश्वरता को संसार की नश्वरता को उसमें दोनों चीजें हैं अविनश्वर तत्व भी है और विनश्वर तत्व भी है अविनश्वर आत्म तत्व को जाना और विनश्वर इनके सारे जो जड़ पुद्गल के पर्याय हैं उसको जाना सत्य को जाना और वह सत्य के पंथ पर चल पड़े। धन्य है जब नीलांजना का नृत्य हो रहा था और उनके बॉस इंद्र ने आदेश दिया कि तुम्हें धरती पर जाना है आदिनाथ भगवान के राज दरबार में तुम्हें नृत्य दिखाना है। जबकि उसको पता था इंद्र को कि इसकी उम्र बहुत कम है जाएगी धर वहां पर दरबार में थोड़ा सा ही नृत्य दिखा पाएगी कि उसकी उसका मरण हो जाएगा। इसके बावजूद भी भेजा इंद्र ने यहाँ पर इस मध्य लोक पर और वह आई क्यों क्योंकि आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। इस दृष्टि से ही क्योंकि अभी तक वैराग्य नहीं हो रहा था आदिनाथ भगवान को उनको वैराग्य कैसे हो इसीलिए ये सारा सारा कार्यक्रम रचा गया और दूसरी नीलांजना तैयार कर दी। उसी वक्त ऐसा लगा कि जैसे कोई समय का अंतराल पड़ा ही ना हो और वह अपना नृत्य जारी रखती है किंतु जन्म से ही तीन ज्ञान के धारी आदिनाथ तीन लोकों के नाथों के नाथ होने वाले हैं ऐसे आदिनाथ ने अपनी अवधि ज्ञान से जान लिया कि ओहो मैं क्या देख रहा हूं। क्या देखा उन्होंने नीलांजना का मरण हो गया ये जान लिया। उनको वैराग्य क्यों हुआ वैराग्य बोलो ना नीलांजना का मरण देख करके क्या उन्होंने और किसी का मरण नहीं देखा था तो पहले क्यों वैराग्य नहीं हुआ कईयों का मरण देखा उन्होंने पहले क्यों वैराग्य नहीं हुआ अभी नीलांजना का मरण देख करके क्यों वैराग्य हुआ कभी सोचा आपने नहीं नहीं हमारा जेना गम कहता है कि नीलांजना का मरण देख करके उनको वैराग्य नहीं हुआ आदिनाथ स्वामी को इसलिए वैराग्य हुआ धिक्कार इस संसार को धिक्कार है ओहो
मैं कहां सुख मान रहा था, यहां तो सुख का एक अंश मात्र भी अणु मात्र भी नहीं है। जब पता था इंद्र को कि नीलांजना का मरण होने वाला है, लेकिन क्या कर्मों की परतंत्रता है, वो नीलांजना की क्या परतंत्रता, कर्मों की क्या दुर्दशा है, कर्मों ने क्या जीव की दुर्दशा की है कि पता था इंद्र को इसके बावजूद भी यहाँ पर भेजा, कुछ तो रहम कर दे। मरणासन्न थी, अगर कोई मरणासन्न होता है तो आप लोग भी ऐसा नहीं कहते जाओ नृत्य करो, पता है ना आपको मरने वाली है, अब थोड़े से समय साता से जी लेने दो। लेकिन नहीं, उसको आज्ञा दी, उसको नृत्य करना पड़ा। क्या मजबूरी थी, कर्मों की दशा में ऐसी मजबूरी होती है कि आत्मा कमजोर पड़ जाती है, कर्म बलजोर हो जाते हैं। जैसे आदिनाथ ने ये विचार किया, ओ हो ये संसार है, जब इसका मरण होना ही था तो कम से कम इसको तो नहीं भेजना था, और कोई को नृत्यांगना को भेज देते, लेकिन नीलांजना को चुना। वाह परतंत्रता, ये कर्मों की परतंत्रता, गुलामी बहुत खतरनाक है। और अब मैं विषय भोगों की गुलामी में नहीं रह सकता, इसी वक्त मुझे अब भवन से वन की ओर जाना है, राग से वैराग्य की ओर जाना है। ये संकल्प कर लेते उठ जाते हैं, जन्म कल्याणक ही उनका दीक्षा कल्याणक में परिवर्तित हो जाता है। धन्य राग रंग में तो काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर विगत 8 दिनों से क्या जलसा चल रहा है, अद्भुत। सारा अहमदाबाद झूम उठा, झूम उठी नगरी और झूम उठा आसमान, पूरा अहमदाबाद राग रंग में डूबा हुआ, कभी हल्दी कभी पीला तो कभी हरा, कभी पीला तो कभी हरा, कभी मेहंदी तो कभी हल्दी। ओहो कितना अच्छा लगा, लोग आकर के बताते हैं कि माता जी इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, शब्द नहीं हमारे पास में, क्यों नहीं लगेगा। राग की बात तो आज तक इस जीव को अच्छी ही लगी है ना, अच्छी ही लगी है, राग रंग में तो अच्छा लगा है। लेकिन धन्य है वे जिन्होंने अपने उपयोग को राग से वैराग्य की ओर मोड़ दिया है। अभी तक के दिन संसार अवस्था के थे, लेकिन कल संसार से मुक्ति की ओर कैसे प्रयाण होता है, कल दोपहर में ठीक 1:30 बजे आप वो दृश्य देखेंगे कि नेमी कुमार राग से वैराग्य की ओर किस तरह बढ़ते हैं, और वो दृश्य आप लोगों की कोई की भी आंखें देखना न चुके, अद्भुत दृश्य होगा। दर्शकों भी आप देख रहे थे गुजरात की धर्मनगरी अहमदाबाद की वस्त्रापुर GMDC के सामने स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड विद्याधाम में आयोजित किए जा रहे अद्भुत एवं अलौकिक रत्नत्रयी आराधना का विशेष प्रसारण। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभावी का शिष्या परम पूज्य आर्य का रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी ससंग के पावन सानिध्य में 20 से 23 अगस्त 2023 के मध्य आयोजित किए जा रहे इस धार्मिक कार्यक्रम के आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। कल इसी समय पर फिर होगी आपसे भेंट पूज्य गुरु मां के भव्य दीक्षा दिवस समारोह एवं अन्य मांगलिक गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास सिमती 2023, सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, प्रवीण कुमार जैन, मनीष आशीष नितिन, फर्म जैनम ग्रुप अहमदाबाद।